हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं गेट 2020 का एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने ही है। मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस आर, यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंसेस दे गई है। इसमें पूछा आपको पी प्रोडक्ट कौन सी होगी और क्यू प्रोडक्ट कौन सी होगी। ठीक है, पी एंड क्यू प्रोडक्ट पूछिए और रिएक्शन कुछ इस तरीके से देखो। यहाँ पे फाइव रिंग है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दी दिया है 9BBN8O2 यानी कि हाइड्रोबोरेशन स्टेप है। सेकंड स्टेप ने क्या दिया है, मेसिटाइल क्लोराइड। सेकंड स्टेप NaOH है और थर्ड स्टेप लास्ट में दिया है विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन सा है ये, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखो सॉल्यूशन, देखो यहां पे सॉल्यूशन। पहले तो देखो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग मटेरियल में क्या दिया है, फाइव एम्बर रिंग दी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फाइव एम्बर रिंग में है वो डबल बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होते हैं, अप साइड या फिर डाउन साइड, अप साइड या फिर डाउन साइड, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे किस तरफ हम पाई बॉन्ड शिफ्ट करें तो मोस्ट स्टेबल कार्बन के टेंशन होता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, फाइव नंबर रिंग में ऑलवेज जो ये पाई बॉन्ड होता है अप साइड शिफ्ट करेंगे, ना कि डाउन साइड में। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं ये जो वाला कार्बन कैटायन है एलाइलिक यानी कि रेजोनेटिक है, मोस्ट स्टेबल जनरेट होगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आपको पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाना है फाइव नंबर रिंग में तो किस तरफ करवाएंगे, अप साइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके रिलेटेड था इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। देखो पहले स्टेप ने था कुछ इस तरीके से, देखो यहां पे था CO2ET, इसके साथ दिया है 9BBN। ठीक है, तो क्या होगा, एक साइड 8 अटैच होगा और एक साइड 9BBN। लेकिन देखो यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री अगर पूछी गई है तो कैसे पता चलेगा हमें कि किस साइड से आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में सभी जगह पे यहाँ पे एस्टर की आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, सभी जगह पे क्या दिया है, डैश स्टीरियो केमिस्ट्री दी है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एस्टर की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे रखेंगे आप, डैश में, क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह पे आपको डैश में ही एस्टर दिया है। अब देखो यहां पे ये तो पता चल गया पाई बॉन्ड ऑलवेज किस साइड शिफ्ट होता है, बाहर की साइड, यानी कि अब हमें पता होगा यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दूसरी बात, यहां पे H एंड बोरोन, इसमें भी हमें पता है जो बोरोन मेटल होती है वो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन पे होते हैं वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बस यही हमें करना है, यहां पे पॉजिटिव को रखेंगे नेगेटिव चार्ज के सामने और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज के सामने। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इतना समझ में आया, देखो फिर से लिखते हैं। चलो यहाँ पे CO2ET, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब इस साइड H रे होगा, इस साइड होगा 9BBN। ठीक है, इतना क्या अटैच होगा यहाँ पे 9BBN। देखो ए वाला यहाँ पे आएगा, ए वाला यहाँ पे आएगा। जनरली क्या होता है, बस हमें यही माइंड में होता है कि जब यहाँ लेस चेरिक इंडर साइड पे क्या अटैच होता है, 9BBN यानी कि बोरोन। बोरोन कहाँ पे रखेंगे, लेस चेरिक इंडर साइड पे। लेकिन याद रखेगा हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सपोज यही केस देख लो, यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमें पता है पहले से, कहाँ से होगी, डैश में। कहाँ से पता चला है हमें, तुम्हें पता है कहाँ से पता है भाई, देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में सभी जगह के यहाँ पे डैश में दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो डैश में होगा, तो जो ये हमारा 9BBN बल्कि है वो कहाँ से आएगा, वेज में आएगा। तो याद रखना यहाँ पे वेज में होगा H एंड वेज में आएगा 9BBN। ठीक है, इतना वेज में H एंड वेज में 9BBN। बाद में आपको दिया है H2O2NaOH, क्या काम करता है भाई वही H2O2NaOH, तो जहां पे
9 BBN अटैच हुआ है वहीं पे क्या लग जाएगा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे वेज में आ गया OH। यहाँ पे मैं वेज में H नहीं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे है डैश में C डबल बॉन्ड O E T। तो ये रही आपकी पहली प्रोडक्ट यानी कि P प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे पहला इतना समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, अब आप ऑप्शन देखोगे तो हमें पता है OH किस साइड आता है यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे। वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन तो एटीज निकल गए, ये वाले दो ऑप्शन तो आएगी नहीं। ठीक है, अब इन दो ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसके लिए अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये पी प्रोडक्ट मिल गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप था इसमें दिया गया था, देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप दिया गया था मेसिटाइल क्लोराइड। क्या दिया गया था? मेसिटाइल क्लोराइड विथ बेस ET3N। तो याद रखना मेसिटाइल क्लोराइड वो क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। तो क्या करेगा, यहाँ से एच निकलेगा और यहाँ से Cl यानी कि ओरल HCl रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ेगा अब MS। क्या जुड़ गया अब यहाँ पे MS। ये रहा डैश में यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET। तो याद रखना, देखो यहाँ पे एक बात ये देखो, यहाँ पे जब भी हम अल्कोहल का प्रोटेक्शन करते हैं किसकी जगह से OTS OTF ऐसे यूज करते हैं। देखो यहाँ से दो फायदे होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे जो OH था हमारा वो गुड लुइंग ग्रुप नहीं था, लेकिन जब भी OTS बन जाएगा OMS बन जाएगा OBS बन जाएगा, ठीक है, तो वो गुड लुइंग ग्रुप बन जाएगा। तो देखो ये तो अब हमारा बन गया गुड लुइंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप दिया था NaOH। कौन सा दिया था? NaOH। तो याद रखना यहाँ पे क्या दिया आपको? एस्टर दिया है। कौन सा ग्रुप दिया है? एस्टर। तो अब बेसिक कंडीशन में उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो देखो वहां पे बन गया अब एसिड। अब यहाँ पे है वेज में OMS, ये है हमारा लिविंग ग्रुप। अब देखो डैश में सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें पता है अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, यहाँ से एच एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? नेगेटिव चार्ज। हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे होगा और इस लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है कि अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप किस स्टीरियोकेमिस्ट्री में है? वेज में। अगर उसको हमें यहाँ से लीव करना है तो याद रखना उसका अटैक इससे ऑपोजिट साइड से होगा यानी कि डैश से। ए वेज से है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा भाई? डैश से। अगर मान लो यहीं पे हमारा लिविंग ग्रुप डैश में होता तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता उसका अटैक वेज से होता। ठीक है इतना। अब देखो बन गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये देखो डैश में यहाँ पे क्या है, पहले से ही यहाँ पे इतना ग्रुप तो था। अब यहाँ से ऑक्सीजन ने कहाँ से अटैक किया भाई? डैश से। तो देखो इस तरीके से 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई इस तरफ भी। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप इसमें क्या था भाई? विल्किंसन कैटलिस्ट H2PA3P3 times रोडियम Cl। तो क्या करेगा भाई? वो जो यहाँ पे नॉन पोलर पाई बॉन्ड है उसका रिडक्शन कर देगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड HH का एडिशन कर देगा। ठीक है, तो देखो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे A, तो ये है आपका क्यू आंसर। ठीक है, दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी ना कि ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। चलो इतना तो हमें पता चल गया था कि या तो ए वाला ऑप्शन आएगा या फिर थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं चलो ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन में कहाँ पे कुछ गलत है क्या। देखो यहाँ पे
आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या दी है, ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर गलत है। हमने देखा सॉल्यूशन में कि दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम आती है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे तो आपका आंसर सही कौन सा है भाई, फर्स्ट वन आपका सही आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल ही था, ऐसे ही गेट के क्वेश्चन, गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे और भी गेट के क्वेश्चन, ठीक है, वो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।